जय अष्टो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। जैसा कि हम नक्षत्र की सीरीज चला रहे हैं, मित्रों आप लोगों के फोन आ रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं कि कोई दूसरा ग्रह, यदि मान लो बृहस्पति बैठा है, शनि बैठा है इस नक्षत्र में, तो अभी मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, खाली चंद्रमा के बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि आपने वीडियो में ध्यान दिया होगा कि नाम अक्षर की भी बात आती है। इसका मतलब जन्म राशि में चंद्र जहां पर आपका बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है, उसके बारे में बात की जा रही है। धीरे धीरे हम उन ग्रहों के बारे में भी बात करेंगे, उनके नक्षत्रों के भी बारे में बात करेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं चंद्र के नक्षत्र की बात। आज हम करेंगे मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। मृगशिरा नक्षत्र, जैसा कि आप जानते हैं, ये वृष राशि के अंतिम दो चरणों में होता है, वृष राशि में, और मिथुन राशि के पहले दो चरणों में होता है। मेरा कहने का मतलब है आधा वृष राशि में और आधा मिथुन राशि में। इसका अर्थ है, मृग का अर्थ ही हम समझते हैं हिरण। मृग का अर्थ है हिरण। हिरण की जो चमड़ी होती है, चर्म होता है, जो उसका आसन होता है, उसके ऊपर बैठकर विशेष पूजा की जाती है। हिरण का अर्थ भी मैंने बताया और इसके आसन का क्या प्रयोग होता है वो भी मैंने आपको बताया। और इसका चिन्ह क्या हुआ? चिन्ह हुआ हिरण। देवता इसके चंद्रमा है। ये जो मैं आपको एक एक चीज अलग से बताता हूं, इसको हमें फलित के समय लगाना होता है। जैसे मान लो हमें पता लगा कि हमारा मृगशिरा नक्षत्र परेशानी कर रहा है, तो हम चंद्र देवता की पूजा करेंगे। रंग जो मैं जैसे स्लेटी रंग बता रहा हूं, हल्का स्लेटी रंग, ये उसके फेवरेट कलर हैं, ताकि उसमें कलर कॉम्बिनेशन में आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मैं जाति का बताता हूं, इसकी जाति सेवक है, क्योंकि ये सेनापति है। सेनापति का काम क्या होता है? आदेश लेना। तो इन चीजों को हम अपने हिसाब से लगाएंगे कुंडली पर, जहां जहां उसका प्रयोग जैसे होगा, थोड़ा सा उसमें फर्क आ जाता है, और उसके पीड़ित और अपीड़ित होने का भी फर्क आता है। इसका लिंग है नपुंसक। जो इसका लिंग है नपुंसक है, जैसे पुरुष जाति होती है, स्त्री जाति होती है, और तीसरी होती है नपुंसक जाति। तीन नक्षत्र ऐसे हैं, मृगशिरा, मूल नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। ये तीनों नपुंसक नक्षत्र हैं, जिसमें ये एक मृगशिरा भी आया। वात पित्त कफ यदि देखेंगे तो इसमें ये पित्त प्रकोप देता है, तो हमें गर्म चीजों का सेवन कम करना चाहिए जिसका ये नक्षत्र हो। योनि इसकी सर्प है। सर्प की क्या क्वालिटी है? कि वह अपने घर में सीधा जाता है। वैसे वो बल खाता है, दूसरों को परेशान करता है, लेकिन जब वो अपने घर में जाता है तो सीधा जाता है। यहां पर इसका ये मतलब निकालेंगे कि वो अपने घर को बचाकर रखेगा। मृगशिरा नक्षत्र का जो जातक होगा वो अपने घर को पहले बचाएगा, उसके बाद आगे सोचेगा। यदि हम इनके नाम अक्षर के हिसाब से नाम रखना चाहें तो इसके अक्षर हैं वे, वो, का, की। वे का मतलब यहां पर पहला चरण, वो का मतलब दूसरा चरण, का मतलब तीसरा चरण, और की का मतलब चौथा चरण। तत्व की बात करते हैं हम अक्सर, ये पृथ्वी तत्व का है। जैसा कि आप जानते हैं, पांच तत्व होते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, या अंतरिक्ष तत्व भी कहते हैं उसको कभी कभी हम बोलने में। तो इसका पृथ्वी तत्व है। नक्षत्र स्वामी मंगल और राशि स्वामी इसके दो हैं। यदि यह वृष राशि में हुआ तो शुक्र, और मिथुन राशि में होगा तो बुध। गण की यदि बात करें तो ये देवगणों में आता है। जैसे तीन तरह के गण होते हैं, देव, राक्षस, मनुष्य, तो ये देवगणों में आता है। नाड़ी इसकी आद्या है। हमें पित्त प्रकोप का ध्यान रखना चाहिए। नाड़ी देखो, हमारे प्राचीन शास्त्रों में नाड़ी का जो प्रयोग था, आज जो हम डीएनए टेस्ट करते हैं, नाड़ी को हम डीएनए टेस्ट की तरह मानते हैं, और इसे विवाह में भी प्रयोग करते हैं हम शुरू से। तो ये इन चीजों का हमें, हमारे वेदों ने कितना हमारे को शुरू से ज्ञान दिया है, कि जो आज चीजें वैज्ञानिक करने जा रहा है, डीएनए टेस्ट करता है, ये हमारा नाड़ी से ही हो जाता है। तो नाड़ी का भी विशेष ध्यान होता है नक्षत्र में। मास इसका मृग शीर्ष मास है। इसका मास का पहला पखवाड़ा जो है, पहले 15 दिन इसकी पूजा की जाती है। तिथि इसकी पंचमी तिथि को ज्यादा शुभ माना जाता है। दोनों पक्ष की पंचमी तिथि को ज्यादा शुभ माना जाता है। अंग में इसके नेत्र हैं और भौंहें हैं।
जो हमारी भौहें हैं ये और नेत्र, ये इसके अंग हैं। दिशा ये साउथ दिशा का स्वामी है, जैसा कि हम वास्तु में इसको देखते हैं साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के मध्य में होता है इसका स्थान। स्वभाव इसका तेज होता है, सहन शक्ति थोड़ी कभी कभी कम हो जाती है। वैसे तो एक पृथ्वी तत्व का नक्षत्र है लेकिन गर्मी ज्यादा है इसमें, अग्नि तत्व का है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है, सैनिक है, तो उस वजह से स्वभाव पृथ्वी तत्व का है लेकिन कभी कभी ये अपना आपा खो देता है। खिलाड़ी होते हैं ऐसे जातक, खिलाड़ी होगा तो फ्रंट पे खेलेगा, प्रकर्मी खिलाड़ी होगा, सैनिक होगा तो फ्रंट पे खेलेगा, करेगा काम। अगर ये खिलाड़ी हुआ या सैनिक हुआ तो ये फ्रंट पे आकर काम करेगा, लेकिन कब करेगा, जब ये वृष राशि का होगा। तो यदि ये मिथुन राशि में चला गया तो ये थोड़ा सौम्य हो जाएगा, शांत स्वभाव का हो जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है स्वभाव के समय कि उसकी स्थिति कहां पर है, वृष राशि में है या मिथुन राशि में है। अब इसके स्थानों की बात कर लेते हैं। खुले स्थान, इसके सारे खुले स्थान है, वन है, जंगल है, जो खुले स्थान है, हिरणों का पार्क होता है, डियर पार्क, वो इसका स्थान है, नर्सरी इसका स्थान है, प्लेग्राउंड, बच्चों के स्कूल, प्ले स्कूल, वो इसका स्थान है, गली, सड़क, मोहल्ला, ये इसके स्थान है, स्टूडियो इसका स्थान है, पटरी बाजार जो लगता है वो इसका स्थान है। एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअल कार्य की जो संस्थाएं होती हैं, जो संस्था होती है, जो बिल्डिंग होती है, वो इसका स्थान है। इस प्रकार इसके स्थानों को हम देख सकते हैं। इसमें शुभ कार्य क्या करने चाहिए, ये ऊर्जा का कारक है, शिक्षा का काम शुरू कर सकते हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट का काम शुरू कर सकते हैं, सेल्स का काम शुरू कर सकते हैं। मेल जोड़ बढ़ाने वाला ग्रह नक्षत्र है, कोई बड़ा अनुष्ठान करना है उसके लिए, उसको शुरुआत करने के लिए अच्छा है, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें वर्जित कार्य क्या है, वर्जित कार्य क्या नहीं करने चाहिए, जो वर्जित कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे इस नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, कोई क्रूर और कठोर काम नहीं करना चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि समझौता करेंगे तो या तो समझौता करते समय लड़ाई हो जाएगी या बाद में टूट जाएगा। तो क्योंकि नक्षत्र गर्म स्वभाव का है तो समझौता नहीं करना चाहिए, कोई लंबी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लंबी प्लानिंग के लिए हमें स्थिर बुद्धि चाहिए, तो लंबी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, इस मुहूर्त को उसमें टाल देना चाहिए यदि वृक्षरा नक्षत्र आ रहा है। इस ऐसे नक्षत्र वाले जातक कार्य क्या करते हैं, ऐसे नक्षत्र वाले जातक ज्यादातर विवाह मंडप जो होता है उसको सजाने का कार्य, लैंड का कार्य, भवन का कार्य, फोटोग्राफी का कार्य, ये सब कार्य करते हैं। डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर सर्जन हो सकता है, शल्य चिकित्सक हुआ सर्जन, या फिर पशुओं का भी डॉक्टर हो सकता है, या फिर उसका जो हमारी सर्जिकल चीजें जो बनती हैं यंत्र, वहां पर वो काम कर सकता है। एस्ट्रोनॉमी का अच्छा जानकार हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में उसका विशेष ध्यान रहता है कि इसको कैसे समझा जाए, क्यूरियोसिटी होती है उसको, इस प्रकार के कार्य वो करता है। अब इसके चरणों की बात कर लेते हैं कि कौन से इसके चार चरण हैं, पहले चरण में क्या स्वभाव होगा, दूसरे में क्या होगा, उसको हम देखते हैं। यदि ये पहले चरण में हुआ तो पहले चरण की डिग्री क्या हुई, 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक वृष राशि में, तो सूर्य इसका नवा स्वामी बन जाता है, मंगल का ये नक्षत्र है, तो जातक अडिग हो जाता है, एक चीज पे अड़ जाता है, जिस काम को उसने करना है उस पे अड़ जाता है, उसमें शक्ति इतनी होती है, उस कार्य को कर ही दम लेता है। उसके बाद अगली बात करते हैं 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक वृष राशि में, ये शुक्र की राशि है और बुध इसका नवा स्वामी बन जाता है। बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं, बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं, इस वजह से हास्य के काम जो होते हैं, इसका स्वभाव हास्य स्वभाव होता है, हमेशा खुश दिल रहता है और लोगों को भी सम्मान देता है और मजाक में सारी बात कहता है, और बुध की वजह से बुद्धि से कार्य अच्छे हो जाते हैं, शुक्र की वजह से कलात्मक कार्यों में भी इसको प्रसिद्धि मिलती है और काम में वृद्धि होती है। तीसरे चरण की बात कर लेते हैं, तीसरा चरण इसका पड़ेगा शुक्र की राशि में, बुध की राशि में, मिथुन राशि में, 0 डिग्री 3 मिनट से लेकर
जीरो डिग्री से 3 मिनट 20 डिग्री तक, और शुक्र के नवांश में, यह पुष्कर नवांश में आ गया। तुला राशि वायु तत्व राशि है, यहां थोड़ा सा स्वभाव में फर्क आ जाता है, जातक हास्य प्रवृत्ति का कम हो सकता है, कल्याणकारी कामों में उसका मन लगता है, आदर्शवादी बातें करता है, आदर्शवादी काम करता है, इस प्रकार की उसके साथ स्थितियां बन जाती हैं और वो ऐसे कार्यों में इन कार्यों को कर खुश रहता है। अब करते हैं चौथे नवांश की बात। चौथा नवांश मंगल का नवांश हुआ, वृश्चिक नवांश हुआ, जिसका स्वामी मंगल है, और इसके राशि स्वामी बुध हुआ। बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा कंट्रास्ट हो जाता है कि कई बार विवाद की स्थिति भी आ जाती है यदि यह नक्षत्र पीड़ित हो। और हमें यह भी देख लेना चाहिए जो हमारा मृगशिरा नक्षत्र है कि तीसरा पांचवां सातवां तो नहीं पड़ रहा। यदि ऐसा है और हमें कोई परेशानी हो रही है, तब हमें मार्गशीर्ष मास में जो मैंने आपको पहले बताया उस पखवाड़े में इसकी पूजा करनी चाहिए, और पंचमी तिथि को शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की विशेष पूजा होती है, तो उससे हम पूजा कर अपने विवादों को, अपने कार्य को साध सकते हैं। आज हमने बात की मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।